खोलेंगे सर्वराज राजनामा दुनिया के साथ। मैं पूनम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को जलगांव में थे। ये वहां दीप स्तंभ फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान एक दिव्यांग लड़की ने अपने पैर के अंगूठे से उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। लड़की के दोनों हाथ नहीं हैं। फडणवीस अपने स्वागत से भावुक हो गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, बहन तुम्हारी मुस्कान और चेहरे की चमक बता रही है कि तुम खुद में कितनी मजबूत हो। फडणवीस ने आगे लिखा, तुम्हें किसी के सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, किसी के दया की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें क्या हराएगा, तेरी हर लड़ाई में हम तेरे साथ हैं। यह शाश्वत सत्य है कि जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। समय कभी अच्छा तो कभी कठिन होता है, लेकिन जब बाहर तूफान हो तो अंदर शांत रहना पड़ता है। जब सागर रौद्र रूप में होता है, जहाज विशाल लहरों पर हो, तो कप्तान को अपना दिमाग बिल्कुल स्थिर रखना पड़ता है। इस दौरान लक्ष्य सिर्फ एक होता है, जहाज को सही दिशा में मोड़ना, जहाज में घुसे रहे पानी को निकालना और अपने साथियों का ख्याल रखना। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।